हमना तेज और गहना को वीर और चंद्रकांता बना के इरावती को गुमराह करेंगे। तब तक ना वीर और चंद्रकांता अपनी बेटी को लेके कहीं छिप जाएंगे। ऐसी जगह छिपेंगे जहाँ किसी को उनकी खबर ना हो, किसी एक को ही पता हो ये बात कि तुम लोग कहाँ छिपे हो। महारानी जी की जय हो। महारानी जी की जय हो। भद्रमा, ये आप जमीन पे चांदी की मिट्टी फूक फूक के कौन सा मंत्र फूक रही है? ये कोई साधारण मिट्टी नहीं है। ये मिट्टी उन असुरों को सूंघ कर बताएगी कि इस घने जंगल में वो कहाँ है और इस वक्त क्या कर रहे हैं। नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ उमा? इस जंगल में एक भी असुर नहीं है, ये कैसे हो सकता है? इरावती और उसके असुर कुछ कर ही ना रहे हो, बहुत अजीब बात है। तो अब क्या करें? वीर, 7 कवच बना चुके हो तुम, इन्हें भेद के कोई अंदर नहीं आ सकता है। चंद्रकांता, एक कवच सिर्फ तब तक काम करेगा जब तक भद्रमा के सीने में तुम्हारा राज दफन है। ये अचानक मौसम कैसे बदल गया? वक्त आ गया, मैं भी आ रही हूं। अभी तो इतनी बिजलियां कड़क रही थी, बादल फट रहे थे, अचानक से ये खामोशी। तूफान गुजर गया क्या? खतरा टल गया क्या? चल गया ना। कुछ नहीं किया, इसे छोड़ दो। गहना गहना गहना, वीर को नहीं पहन सकी तो उसके यार को पहन लिया। इसीलिए मैंने तुझे अपने साथ नहीं रखा, क्योंकि तू कभी किसी की नहीं हो सकती। गहना जो है ना, कभी इसके गले तो कभी उसके गले, कब किसके गले में चुप कर उसका गला काट दे पता ही नहीं चलेगा। तेज को छोड़ दे, इसने कुछ नहीं किया। छोड़ दो, छोड़ दिए। पता पता वीर और चंद्रकांता कहाँ है? ये क्या भद्रमा, मौसम अचानक बदल कैसे गया?
अब तक तो बादल इतनी गर्जना कर रहे थे, अब इतना सन्नाटा। तूफान माता से घर चला गया। उमा, इरावती मत्स्य गढ़ पहुंच चुकी है। क्या? हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। हाँ, जल्दी चलो। तुम पे आंच नहीं आने दूंगी। माँ बाबा ढाल बन के तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। घबराओ मत, घबराओ मत। ये माला है ना, ये मेरी खूबसूरत यादों की माला है। ये माँ को मेरा दिमाग पढ़ने से रोकेगी, उन्हें गुमराह करेगी, वो यहां तक नहीं आ पाएंगी। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। मैं नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी। अच्छा, नहीं बताएगी तो मार दूंगी तुझे। मार दे, लेकिन अपने मुंह से कभी नहीं बताऊंगी अगर लोग कहां है। पता बता दे, मारूंगी जरूर पर तुझे नहीं। इसे नहीं, नहीं, हम दोनों को नहीं पता कि वो दोनों कहां है। इसको छोड़ दो। तो फिर किसे पता है? उमंग, तेज चल थोड़ा। बस भद्रमा, बस अब मुझसे नहीं चला जाएगा। आप कुछ जादू कीजिए ना, जादू से मुझे भगाइए ना। उमंग, पता नहीं जब से हम इस जगह पर आए हैं मेरा जादू काम ही नहीं कर रहा। मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे कोई जानबूझ के हमें इस जंगल की तरफ लेके आया। क्या? और यहाँ यहाँ चारों तरफ एक जाल बिछा हुआ है जहां जहां हमारा जादू काम ही नहीं करेगा। हाँ भद्रमा, देखो ना, तभी तो ये देखो ना, अचानक से ये असुर सारे आके धमक पड़े। वो ना, अब तक तो यहाँ कोई परिंदा भी नहीं था। देख रहे भद्रमा, अब क्या करें भद्रमा? उमंग, ये लोग हमें मार डालेंगे। जाओ, जाके जल्दी से चंद्रकांता को बताओ, जाओ। पर भद्रमा, चंद्रकांता कहाँ है मुझे नहीं पता। चंद्रकांता वाला राज तो आपको पता है, आप उनकी हमराज है। आप बताइए चंद्रकांता कहाँ है। हाँ मुझे पता है, जहाँ से तुम आए हो चंद्रकांता वही है। जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ। क्या कहा आपने? आप जानती हैं कि चंद्रकांता वीर के साथ कहाँ छुपी हुई है, तो बताइए। जानती हूँ, जानती हूँ कि चंद्रकांता कहाँ है, लेकिन तुझे नहीं बताऊंगी। जो करना है कर ले, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी कि चंद्रकांता कहाँ है। ना ना ना, आप नहीं बताएंगे पर मैं उगलवाऊंगी। दरवाजा खिड़की बंद करने से कुछ नहीं होगा वीर, वो आ रही है, उसे आने से कोई नहीं रोक सकता। तुम क्या चाहती हो? कैसी हाथ पांव धर के बैठे रहे हम लोग? मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना वीर। ये क्या कर रही हो? वही जो एक माँ को करना चाहिए। नहीं, तुम नहीं जाओगी माँ से लड़ने के लिए। मैं जाऊंगा, मैं उनसे लड़ूंगा, मैं उन्हें रोकूंगा। नहीं भी, तुम नहीं जाओगे, मैं जाती हूँ। नहीं चंद्रकांता, तुम नहीं जाओगे, तुम माँ से लड़ने नहीं जा सकती हो। मैं जाऊंगा यहाँ से, मैं माँ को संभाल लूंगा, मैं कह रहा हूँ ना। प्लीज समझा करो, उससे लड़ना मेरे लिए ज्यादा आसान होगा, वो मेरा दिमाग नहीं पढ़ सकती। तुम बस अभी हमारी बच्ची का ध्यान रखो और मुझे रोकने की कोशिश मत करो। मैं अभी आई। चंद्रकांता, we
जो मेरा है मैं उसे लेकर ही जाऊंगी। तू मुझे नहीं रोक सकती, क्योंकि अब ना ही तेरे पास वो खंजर है, ना ही शक्तियां और ना ही वो तिलस्मी तलवार। उस तिलस्मी तलवार की शक्तियां अब मेरे पास है और मेरे पास माँ की शक्ति है। अच्छा, तो दिखा मुझे अपनी शक्तियां। ले मेरे बच्चा, नहीं नहीं मेरे बच्चे, डरो मत, कुछ नहीं होगा। बाबा है ना यहाँ पे। हाँ, आज जो होना है होकर ही रहेगा। बचा सकती है तो बचा ले। तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत प्यार करते हैं बच्चा, लेकिन माँ कह रही है कि वो मुझे लिए बिना नहीं जाएगी यहाँ से। मेरे तुझे जाना होगा, अपने बच्चे के लिए जाना होगा, अपनी चंद्रकांता के लिए तुझे जाना होगा यहाँ से। निकालो जल्दी। चंद्रकांता, मुझे इतना जादू नहीं आता। मैं कोशिश करो मुझे यहां से निकालने की, कैसे भी करके। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। अकुम बकुम हकुम, अकुम बकुम हकुम। नहीं हो रहा है चंद्रकांता। मैं जो भी कर सकते हो करो, मेरी बेटी के खातिर, मेरे वीर के लिए, मेरी प्रजा के लिए। मैं कर सकते हो, तुम कुछ भी करो। ठीक है, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। अकुम बकुम हकुम। नहीं हो रहा है चंद्रकांता। उमंग, अपना ध्यान केंद्रित करो, मैं मंत्र पढ़ती हूँ, तुम वो वापस दोहराओ। ठीक है, अगर मेरी बेटी से दूर ले जाना है तो मुझे यहां से भागना होगा। मां मेरी बेटी को छोड़ के मेरे पीछे आ जाएंगी। चंद्रकांता, ठीक हो तुम? हाँ, मैं ठीक। तुम्हारी बेटी कहां है? वो कुटिया में है वीर के साथ। वीर ने कहा था वो उसका ध्यान रखेगा। आओ आओ, देखते हैं। चलो। मां, देखो यहां खड़ा हूं मैं। हाँ, यहां। आओ और ले जाओ अपना अंश। मूर्ख लड़का मेरे साथ खेल खेल रहा है, क्योंकि ऐसे खेल तो मैं बचपन में खेल के छोड़ चुकी हूँ। लोग मेरे पीछे भागते हैं, मैं लोगों के पीछे नहीं। Thank you.
तुम्हें अपनी बेटी से ज्यादा खुद की जान प्यारी लगी जो ऐसे खुद पीठ दिखा के ऐसे भाग रहे थे? देखा तुमने, या तुम्हारी माँ इरावती तुम्हारी बेटी को उठाकर ले गई है? मन तो करता है तुझे यहीं से नीचे फेंक के मार दूं, पर नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। तू अय्यारा की बेटी है, तेरे अंदर भी अय्यारा का खून होगा। क्या पता यहां से नीचे मैं तुझे फेंक दूं, पर तू फिर भी अपनी मां की तरह बच जाए। नहीं, मैं दोबारा वो गलती नहीं करूंगी। अब मैं तुझे खुद अपने हाथों से मारूंगी, ताकि तू मुझे मारने के लिए जिंदा ही ना रहे। एक बार तू मर गई, उसके बाद पूरी दुनिया पर मेरा राज होगा, सिर्फ मेरा। तेरे माँ बाप कितने रो रहे होंगे ना, ठीक उसी तरह जिस तरह स्वयं की मौत पर मैं रोई थी, तिल तिल रोई थी। तेरे माँ बाप भी फड़फड़ा के रोए, फड़फड़ा के मर जाएंगे। तेरी मौत की खबर सुनते हैं वो अपने आप मर जाएंगे, मुझे तो उनको मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मर, जितना मन चाहे मार ले, क्योंकि कुछ ही पल में तू तो मरने वाली है, इसलिए जितना मारना है मुझे मार ले। ऐसे क्यों किया? मारी बच्ची को ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हो? तुमने उसे कैसे जाने दिया? वीर, तुम उसके पिता हो, मासूम सी नन्ही सी बच्ची हुई, उसको सुरक्षा की जरूरत थी, तुमने उसे छोड़ा, तुमने उसे क्यों जाने दिया? तुम बस अपनी जान की फिक्र थी। नहीं चंद्रकांत, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, वो उमंग ऐसे मैंने नहीं किया है। ऐसा ही है, तुम्हें उससे ज्यादा अपनी जान की फिक्र थी। तुम अपनी जान से प्यार करते हो। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हमारे बच्चे की रक्षा करोगे। ये रक्षा की तुमने। चंद्रकांत, मेरी बात समझने की कोशिश करो। नहीं सुन ली मुझे तुम्हारी कोई बात, क्या सुनाना चाहते हो? हम दोनों मिलकर तुम्हारी बेटी को ढूंढ लेंगे। चंद्रकांत संभालो अपने आप को। बस वीर, बस, तुम्हें जो बोलना था तुम बोल चुके हो। तुम्हें अपनी बेटी पर जरा भी तरस नहीं आया, जैसे खतरे में छोड़कर पीठ दिखा के भाग लिए। जरा सोचो, तुम्हारी माँ उसे उठाकर ले गई है, पता नहीं अब उसके साथ क्या करेगी। चुप, चुप तो दोनों, इतना समझते अपने वीर को? इतना कायर है वीर कि अपने बच्चे और अपनी चंद्रकांत को पीठ दिखा के भाग जाएगा यहां से? चंद्रकांता देखो, मेरा विश्वास करो, मुझे लगा माँ मुझे लेने आई है। मैंने तुम पे विश्वास किया वीर, मुझे लगा शायद अच्छा वीर जिंदा है तुम्हारे अंदर, वो कुछ नहीं होने देगा। नहीं, तुम्हारे अंदर ईरावती कांश है, वो जीत गया। मेरी बच्ची की जान खतरे में है, मुझे मेरी बच्ची ढूंढना है। चंद्रकांत, मैं उसे वापस लेकर आता हूँ, रुक जाओ। हाथ मत लगाना मुझे और मेरी बेटी को, तुम पे विश्वास नहीं कर सकती हूँ मैं। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद अपनी बच्ची को ढूंढ कर लाऊंगी। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। चंद्रकांत, आना मत पीछे। चंद्र, विश्वास करो, मैंने जानबूझ के नहीं किया है ये। लो आ गई मैं, चला के राख कर दो इस बच्चे। भाई रुक जा। रोका क्यों मुझे? कितनी दूर खेला तू? तुझे क्या लगता है ये इस साधारण सी आग में माया भी बच्ची को जला सकती है? हा? तुम्हें पता है तो फिर तुम्हें ये भी पता होगा कि इसे कैसे मारना है। मायावी और जादुई लोग पाताल लोक की आग में जल के ही मर सकती है ना? हाँ, और उस पाताल लोक की आग धरती लोक पर सिर्फ फैला सके। तो फिर इंतजार किस बात का है? जल्दी से ला, अभी इसी वक्त। जी,
जल्दी भी क्या इरावती, पहले मुझे वो तिलस्मी तलवार दे दो। तो तुम जितना मूर्ख मुझे समझते हो उतनी हूं नहीं। पहले इस बच्ची को आग में जला, उसके बाद में तलवार। पहले तलवार। और अगर ये बच्ची तुम्हारी इस पाताल लोक की आग में जलकर भी नहीं मरी तो तुम मुझ पर शक कर रही हो। जिसने मुझे धोखा दिया वो मुझ पर शक कर रही है। हाँ, तलवार मिलते अगर तुमने मुझे ही मार दिया तो ठीक, तुम अपने रास्ते चले जाओ, हम अपने रास्ते चलो। रुक जाओ। अब क्या हुआ यारी? एक काम करते, अभी तो मैंने बात शुरू भी नहीं, एक काम करो, इस लड़की को इस आग में जलाकर मार दो, उसके बाद में ये तलवार तुम्हारी। ठीक। पाताल लोक की अग्नि धरती लोक पर आ। ये पाताल लोक की आग है, बड़े से बड़े यार को जलाकर खाक कर दे ये मामूली सी लड़की क्या चीज है। एक बार, बस एक बार ये असुर इस बच्ची को मार दे, उसके बाद यही तलवार उठा के मैं पाताल लोक के इस असुर को मार दूंगी, और फिर धरती, आकाश और पाताल तीनों लोक पे मैं राज करूंगी। मैं चंद्रकांता, तेरी बेटी तो गई। मैं बहुत डर गई थी कि कहीं वो इरावती मुझसे मेरा देर ना छीन ले, और डर के मारे मैंने उसे सब कुछ बता दिया। मैंने उसे सब कुछ बता दिया कि आपको सब कुछ पता है कि चंद्रकांता क्या है। मूर्ख लड़की, क्या किया तूने? जानती है तुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है? उस इरावती ने मेरी जान ले ली थी, तो छोड़ के रख दिया मुझे, सब उगलवा लिया मुझसे। आप सबने ये बातें बताकर अपनी मौत का कुआं खुद खोदा है। वहां इरावती चंद्रकांता की बेटी को उठाकर ले गई है, वो उसे मार देगी। तो चलो हम सब चल के इरावती से चंद्रकांता की बेटी को वापस ले आते हैं। हम जानते हैं कि हमने जो कुछ भी किया चंद्रकांता के साथ उसके बाद वो हमसे नफरत करती होगी, लेकिन इस वक्त हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते, हमें उसका साथ देना होगा। गहना, तुम भी युद्ध के लिए तैयार रहना। हाँ। हम कुछ ही क्षण में जंगल की तरफ निकलेंगे।
इरावती कहाँ है मेरी बेटी, कैसे पता करूं? हाँ, एक रास्ता और है। मैं जानती थी बेटी होगी। एक माँ बनना कितना सुकून, कितना जादुई भरा होता है। एक पल में माँ की पूरी जिंदगी भर देता है। मेरी बेटी की यादों का ये जाल ही मुझे मेरी बेटी तक ले जाएगा। बेटी, ये उसी की आवाज है। बेटा मैं आ रही हूं, बेटा मां आ रही है। बच्चे की रोने की आवाज। रुक जा, हम लोग जादू से आपको बचाएंगे। तेज उमंग, हाँ चलो। नहीं बुझेगी, ये पाताल लोक की आग है, इसे कोई नहीं बुझा सकता। हे विष्णु, नरक की इस आग को बुझाने के लिए स्वर्ग की प्रसाद बसाई, इस आग को बुझाइए विष्णु जी। वंदे विष्णु, वंदे विष्णु। वंदे विष्णु, वंदे विष्णु। Thank you.
इरावती, ये तलवार तू नहीं ले सकती, ये तलवार मेरी है। चंद्रकांता तेरी बेटी तेरी पीठ पे, मौत तेरे सर पे, दुश्मन तेरे सामने, वही दुश्मन जिसने तेरी माँ को मारा, तेरे सारे अपनों को मारा, आज इस दुश्मन को मार दे, खत्म कर दे आज खौफ की ये कहानी, खत्म कर दे। हे विष्णु जी, आज अगर लड़ते लड़ते मेरी जान चली जाए तो मेरी बेटी की जान आपके हवाले, इसकी रक्षा आपके हवाले, आज चंद्रकांता का ये अंश, ये वंश, ये विरासत, ये हुकूमत आपके हवाले, चंद्रकांता की ये बेटी आपके हवाले, आपकी अव्वल अय्यारा की अव्वल अय्यारी आपके हवाले।
वीर मुझे माफ कर दो वीर, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा, कितनी गलत थी मैं। वीर मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे छोड़ के मत जाओ। हमारा बच्चा, हमारे बच्चे को तुम्हारी जरूरत है, मत जाओ वीर, हमें छोड़ के मत जाओ। वीर उठो वीर, उठो वीर। तुम किसी काम के नहीं, अब कौन सा आखिरी रास्ता बचा है जो तुम किसी को बचाओगे? मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, मेरा पति मुझसे दूर जा रहा है, तुम किसी काम के नहीं हो। चंद्रकांता, ये क्या है? देखो जरा, ने इरावती को मार दिया, वो डर, वो खौफ, वो खतरा सब मर गया। काल की रानी मर गई वीर, काल की रानी इरावती मर गई। हमारी बच्ची ने कर दिया। आज से ये है विजयगढ़ की भावी राजकुमारी, विजयगढ़ का भविष्य जो अंधेरों में कहीं कहीं खो गया था, विजयगढ़ का सूरज डूब गया था, अंधेरों को चीरती हुई सूर्य की ये किरण, किरणों की ये चमक, चमक की ये कांता, आज से इसका नाम सूर्यकांता। ये है आप सबकी राजकुमारी, राजकुमारी सूर्यकांता। राजकुमारी सूर्यकांता की जय। राजकुमारी सूर्यकांता की जय। फॉर मोर अपडेट्स लॉग ऑन टू colorstv.in.com, लाइक अस ऑन facebook.com/colorstv, फॉलो अस ऑन twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.